अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक ऐसी क्रीम जो आप अगर इसे 1 वीक भी यूज़ करते हो तो आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट ये क्रीम आपको देगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आप कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है पोटैटो। जैसे कि पोटैटो जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है। इसमें जो नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ जो रहती है वो हमारे स्किन पे जो भी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे है, टैन है, डार्कनेस को बहुत ही अच्छे से और इफ़ेक्टिवली रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है। तो हमने इसे कट किया है और फिर हम हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है बीट रूट। जैसे कि बीट रूट जो है वो हमारे स्किन को जो है वो बहुत ही अच्छे से हेल्थी और हाइड्रेटेड ग्लो देने में हमारी हेल्प करेगा। हमारे स्किन पे जो भी डेड स्किन सेल्स है उसे रिड्यूस करेगा और स्किन को ग्लोइंग और क्लियर बनाने में हेल्प करता है। इसमें जो एडेड विटामिन सी और आयरन है वो हमारे स्किन को डल स्किन रिमूव करके इंस्टेंट ग्लो देने में हेल्प करता है। तो ये दोनों जो इंग्रेडिएंट थे इन्हें मैंने कट किया है और मिक्सर में ग्राइंड किया है। फिर हम जो है वो इसका जूस निकालेंगे। तो पोटैटो और बीटरूट का जूस जो है वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे स्किन को फेयर और ब्राइटन बनाने में, हमारे स्किन को हेल्दी ग्लोइंग स्किन बनाने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका जूस निकाला है, अराउंड 1.5 चम्मच जो है वो यहाँ पे हमें जूस मिला है, जो इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो फिर हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे वो हमारा इंग्रेडिएंट है, वो है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड किया है और अच्छे से जो है वो हम इसे मिक्स करेंगे। एलोवेरा जेल हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा, हमारे स्किन पे नेचुरल ग्लो लाने में हेल्प करेगा। ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करेंगे, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेंगे, स्किन को क्लियर करेंगे, दाग धब्बे जो है हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन है उसे रिड्यूस करके हमारे स्किन के एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा ग्लो लाने में हेल्प करेगा और स्किन को ब्राइटन भी करेगा। तो इसे बनाने के बाद में हम इसे 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। हम इसे फ्रिज में रखेंगे और नाइट में जो है वो आप फेस क्लीन करके इसे अपने फेस पे एज अ नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो और ऐसे ही रहने दो, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करते हो। कंटिन्यूसली एवरीडे यूज़ करने के बाद में आपकी स्किन जो है बहुत ही नेचुरली ग्लोई नज़र आएगी, ब्राइटन नज़र आएगी और आपके स्किन पे एक पिंकिश ग्लो नज़र आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।